हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले तो आपकी यही शिकायत होगी कि काफी लंबे समय बाद अपलोड कर रहे हैं वीडियो और आपको शायद मेरी वीडियो का इंतजार भी रहता होगा। बाकी क्षमा चाहूंगा, बस समय का अभाव है। बाकी आगे से मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपसे जल्दी जल्दी मुलाकात में करता रहूं। चलिए, आज का विषय उनके लिए है जिनको बार बार एलर्जिकल सिम्टम्स उत्पन्न होते रहते हैं। गर्मी इतनी है, आजकल तादाद इतनी हो रही है गर्मी की कि भाई बार बार घमौरियां परेशान करती हैं। किसी किसी को ऐसा होता है कि हर बार गर्मियों में बाल तोड़ की समस्या उत्पन्न होती रहती है। चलिए, बाल तोड़ तो चाहे सर्दियां हो, गर्मियां उनको परेशान करते रहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं या सूखी खुजली होने लगती है। चलिए, मैं आज आपको एक छोटा सा नुस्खा बताने जा रहा हूं। हालांकि बनी बनाई औषधि आसानी से हर क्षेत्र में हर जगह मिल जाएगी। तो इसके लिए आप गंधक रसायन के नाम से एक बट्टी आती है, बैद्यनाथ की ले लें, आप किसी भी फार्मा की ले सकते हैं। तो गंधक रसायन ले लें आप, ये टैबलेट होती हैं। तो एक एक टैबलेट सुबह शाम ये लेना शुरू करें। साथ में एक आसा वाता है खादिरारिष्ट के नाम से। खादिरारिष्ट आप वही मैं कहूंगा, चाहे किसी भी फार्मा का ले लें, लेकिन अगर बैद्यनाथ का लेंगे ज्यादा उचित रहेगा आपके लिए। तो खादिरारिष्ट 3 चम्मच दवाई, 3 चम्मच पानी सुबह शाम, सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद ले लें, किसी भी बॉयल में, किसी भी कटोरी में। 3 ढक्कन, जो ढक्कन उसी पे लगा है, 3 ढक्कन दवाई कर लें, 3 ढक्कन पानी मिला लें नॉर्मल और पी जाएं। जैसे ही आपने सुबह ये आसव पी लिया, खादिरारिष्ट पी लिया, उसी के 10 मिनट बाद एक बटी गंधक रसायन की आप ले लें नॉर्मल पानी से ऐसे। इसी तरह से रात को खाना खाने के बाद खादिरारिष्ट 3 ढक्कन दवाई, 3 ढक्कन पानी, नॉर्मल पानी मिलाकर लेना है। उसके ऊपर और पानी पी सकते हैं, लेकिन पानी बराबर रहे। जैसे आपने रात को ये सिरप पी लिया, आसव पी लिया खादिरारिष्ट, उसी के बाद में आप एक टैबलेट एक बटी गंधक रसायन की ले सकते हैं। बस आप इसको महीने, 2 महीने, 3 महीने कर ले। जो बार बार स्थिति उत्पन्न रहती है, एलर्जिकल सिम्टम्स होते हैं, फोड़े फुंसी परेशान कर रहे हैं, बाल तोड़ की समस्या होती है, या घमोरिया परेशान कर रही है, इचिंग परेशान कर रही है, किसी भी तरह के एलर्जिकल सिम्टम्स है, वो ठीक हो जाएंगे। बशर्त यह है कि खटाई का, गुड़ का और गर्म चीजों का परहेज रखें, पेट अपना साफ रखें, कब्ज की स्थिति उत्पन्न ना हो इस दौरान। बस आज के लिए यही था। बाकी कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अब जल्दी जल्दी मिल लिया करेंगे, बेफिक्र रहें आप, वीडियो का इंतजार ज्यादा कराएंगे नहीं। थैंक यू।